ये जूते मैंने कहीं तो देखे हैं। माही जी सर, गाड़ी निकालो। ओके सर। मिस्टर रतन, हमें आपके बहू का कातिल का पता चल गया है। सच? क्या आपने खूनी को गिरफ्तार कर लिया? हम गिरफ्तार करने ही आए हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए। ये जूते किसके हैं? हर, ये जूते तो मेरे हैं। इंस्पेक्टर साहब, जूते का कातिल से क्या कनेक्शन है? प्लीज, आप जो भी कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। कनेक्शन है, बहुत बड़ा कनेक्शन है। जो नकाबपोश चोर आपके घर में घुसा और जिसने आपकी बहू, मेरा मतलब है कि मिसेज शोभा का कत्ल किया, उस नकाबपोश चोर ने यही जूते पहने हुए थे। और यह बात आपके घर के सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रही है। मैंने अपने दिमाग पे जोर दिया कि ये जूते मैंने कहीं तो देखे हैं। फिर मुझे सडनली याद आया, जिस रात मर्डर हुआ उस रात मैंने ये जूते आपके छोटे भाई विजय के पैरों में देखे थे। सर, मैं फैक्ट्री में था, अचानक से रात को फोन आया, जयेश का कि शोभा को किसी ने, और जिस चोर को हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में देखा, उनकी कद काठी भी इनसे कुछ मिलती जुलती है। तो इससे यही साबित होता है कि आपके बहू का कातिल कोई और नहीं बल्कि आपके छोटे भाई विजय ही है। विजय? ये इंस्पेक्टर क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। विजय बहुत सीधा और नेक इंसान है, वो अपनी बीबी से बहुत प्यार करता था, भला वो अपनी बीबी को क्यों मारेगा? अब ये बात तो यही बताएंगे ना कि इन्होंने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया, क्यों मिस्टर विजय? विजय कह दो ये झूठ है, ये इंस्पेक्टर क्या कह रहा है? देखो विजय, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, बेहतर इसी में होगा कि अब हमें सब कुछ सच सच बता दें, क्योंकि अब सच सामने आ चुका है। भैया, इंस्पेक्टर साहब सही कर रहे हैं, मैंने ही मारा है शोभा को। लेकिन क्यों? ऐसी कौन सी वजह हो गई थी जिसकी वजह से तुमने अपनी बीवी का खून कर दिया? क्योंकि मुझे सच का पता चल गया था और शोभा ने अपने प्लान को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया था, और दौलत और प्रॉपर्टी के लालच में इस पूरे घर को दीमक की तरह धीरे धीरे खोखला करना शुरू कर दिया था। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अब तुमने तो सब कुछ सुन ही लिया है ना, तो जाओ अपने बड़े भैया को मनाओ और उनसे बोलो कि तुम लोगों की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर। विजय, तुम अपने घर में से चोरों की तरह क्यों घुसे? क्या अपने हुआ? घर में चोरी करने का ना मजा ही कुछ और है। लेकिन विजय, तुमने तो प्यार और विश्वास का खून किया है, नहीं? ये सब क्या बोल रहे हो विजय? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डायन भी ना एक घर छोड़ देती है, लेकिन तूने तो अपना ही घर लूट डाला। तुझे क्या लगता है मैं यहां पर चोरी करने आया हूं? मारने आया हूं तुझे? मुझे माफ कर दो विजय, मुझे माफ कर दो विजय। माफी वाली गलती नहीं है तेरी। Thank you.
कितना प्यार किया मैंने तुमसे, कितना प्यार, लेकिन इसलिए मैंने शोभा को मार दिया, क्योंकि शोभा ने जो जाल बिछाया था उसमें हम सब एक एक करके फंसते हुए चले गए, और मैं ये होने नहीं दे सकता था। और यहां पर गलती किसी एक की नहीं है इंस्पेक्टर साहब, क्यों भैया बोलिए। मिस्टर विजय, आपको हमारे साथ चलना होगा। चलिए सर। विजय, सब कुछ जानकर भी तुमने ऐसा क्यों किया? भैया, शरीर का अगर कोई अंग खराब हो जाए तो पूरे शरीर को खराब कर देता है, उससे बेहतर है कि उस अंग को ही काट दो। इसलिए मैंने शोभा को मार दिया, और मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। चलिए सर। विजय, विजय, विजय।